বেশি অত বেশি দেখায় যাবে না একটা করে নাম লেখা আছে টাকা তুলবে তার টাকাটা পাশে দিয়ে जूम बस टूडेट ऑल्सो बी ट्रेवल आई डोंट नो आउ इट ओके प्लीज सो मैंने जैसा बता रहा था कि दोनों तरफ से गलतियां हो रहा है

আছে তার আগে সার্ভিস ট্যাক্স দিতাম কারণ 10 লাখ প্লাস হলেই সার্ভিস ট্যাক্স দিতে হবে আমি দিতাম তারপরে আমার 2017 এর থেকে জিএসটি হইছে জিএসটি আমি প্রথম দুই মাস বাদ দিয়ে মানে জুলাই আগস্ট ওরা রিভার্স মেকানিজম কেটে নিয়েছিল তারপর থেকে আমি জিএসটি দিয়ে যাচ্ছি তাও আমার কাছে চিঠি আসছে

मुंबई से की डीडीसीसी क्या भेजा भेजा है हम भेज दिया हम कुछ नहीं जानता इसके बारे में मेरा कोई नॉलेज नहीं है हम कुछ नहीं कर सकता है हम पूरा कागज लेके गया था प्रूफ लेके हम जीएसटी दे रहे आप देख लीजिए ये मेरा ओ, चालान नंबर ये सम, समुचा लेके गया था कल मैं चालान नंबर आपको दिखा रहा हूँ दो हजार सत्रह दो हजार उन्नीस अठारह उन्नीस दो हजार उन्नीस बीस दो हजार बीस इक्स दो हजार इक्स बाईस फिर भी मेरे को चिट्ठी दिया और वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है मेरा जो मैं जो पेमेंट पेमें किया वो कहा गया वो क्यों मांग रहा है मेरे से मैं तो दे दिया जीएसटी अभी आपको मैं बोलू हाँ बोलिए सर यू आर बेंगोली बट टेलिंग इन हिंदी सो सर अभी आपका जो केस है इस केस में आपने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया आपने जीएसटी चार्ज किया और आपने जीएसटी रिटर्न भी फाइल फाइल किया किया आपने हर महीना जीएसटी वन फाइल किया जीएसटी आर थ्री भी फाइल किया, फाइल किया।, आपने किया।, फाइल किया। और आपने क्वार्टरली जब जीएसटी आर थ्री भी फाइल किया तो आपने पेमेंट भी कर दिया तुरंत एक चीज आप बताइए आपका ये एजेंसी छोड़ के और कोई बिजनेस है क्या आपका कुछ नहीं है सर खाली एल आई एंड म्यूचुअल फंड्स एल आई एंड म्यूचुअल फंड वेरी गुड तो Hello? आपका केस में जो है आपका केस में Hello? आपका सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप मुझे भेजिए जो जीएसटी जीएसटी ऑफिस कहाँ पे आपको हाँ। देने पड़ेगा सिलीगुड़ी

तो आपका ये शिलीगुड़ी में आप जमा किया है मैंने आपका शिलीगुड़ी में जमा हो रहा है तो आप एक काम कीजिए आप भेजिए ये सब कागज तो मैं देख के आपको चिट्ठी बना के दे दूंगा वो चिट्ठी आप ईमेल से अपलोड कर दीजिए ठीक है सर और एक मैं आप सभी को बोल रहा हूँ एक चीज जीएसटी ऑथोरिटी जो भी आएंगे आपका पास या जो भी बोलेंगे कि आप मेरा दफ्तर में आके इसको केस को सॉल्व कीजिए हम लोग केस को सेटल कर देंगे आप इतना रुपया दे दीजिए ये कर दीजिए कोई एक पैसा नया पैसा भी मत देना ठीक है ठीक है नो नथिंग नथिंग अंडर द टेबल क्योंकि अभी सिस्टम ऐसा हो गया है कि अंडर द टेबल आपका फाइल क्लोज नहीं होगा एक बार जब कंप्यूटर में चढ़ जाता है फाइल वो फाइल को ऑफिशियली क्लोज करना पड़ता है नो बडी कैन विल टेक केयर ऑफ योर फाइल ठीक है सर हाँ ये लेकिन इग्नोर कर दिया लेने में मेरा डॉक्यूमेंट्स लेने में इग्नोर कर दिया कोई बात नहीं डॉक्यूमेंट्स अगर लेने में इग्नोर करता है तो वो आप अपलोड कर सकता है आप हाँ अपलोड करेंगे हम हाँ, के साथ बात किया मेरा सीए भी गया था मेरा से यस वो तो बोलता है वो ऐसे बोला जो हमको मत फसाइए हमारा कुछ ज्ञान नहीं है इसका बारे में हमको मुंबई से आया है ऑर्डर हम आपको भेज दिया तो मेरा

मिस्टर बासुआ हम लेंगे नहीं प्लीज हमको छोड़ दीजिए हमारा कोई हमको ऐसे भाषा में बोला हमारा कोई ज्ञान नहीं है इसका बारे में मुंबई से आया हम आपको भेज दिया बोला? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका जो सीए है आप उसको बोलिएगा कि आप इसको ईमेल से फाइल कर हाँ, से और, बोला। और एक चिट्ठी बना के फाइल करने पड़ेगा एक फॉरवर्डिंग लेटर बना के आप फाइल कीजिए वो फॉरवर्डिंग लेटर में पूरा चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए और टेबुलर फॉर्म में आप जमा कीजिए टेबुलर फॉर्म मीन्स दैट फॉर सिंस व्हेन यू हैव स्टार्टेड आप जब से शुरू किया फाइलिंग करने का एकदम हाँ। डिटेल्स पूरा दे दीजिए हाँ, तो मतलब रिटर्न का कॉपी भी अपलोड कर देंगे हाँ। रिटर्न का कॉपी अपलोड करने का तरीका नहीं है वो कॉपी उन लोग का पास होगा लेकिन आपका चिट्ठी जो है वो टेबुलर फॉर्म में आप पूरा एक्सप्लेनेशन देके आप फाइल कर दो हाँ सर वो टेबुलर फॉर्म में ही था देखिए ये हाँ ऐसे ही था टेबुलर फॉर्म में बस ये ही आप फाइल कर दीजिए उनके पास हाँ फाइल करने से वो लोग लो आपका फाइल क्लोज कर देंगे अच्छा ठीक है सर ठीक है हेलो और अलो? अगर क्लोज नहीं था? होता है तब आप आपको फोन कीजिएगा सर हम बोलेंगे हाँ हेलो हाँ मिश्री चक्रवर्ती বাংলায় বলছি স্যার আমি জলপাইগুড়ি স্যার আমি স্যার দু হাজার যখন শুরু হয় দাফ স্টার্টিং আমাকে ইউটি মিউচুয়াল ফান্ড থেকে বারবার প্রেসার করছিল যে জিএসটির নাম্বারটা নিতে হবে এবং তারপরে আমি জিএসটি নাম্বারটা নেই এবং প্রথম তিন মাস আমি আহ গুয়াপার ওয়েতে ট্যাক্স এবং হচ্ছে আপলোড সমস্ত কিছু আপলোড করি তারপর স্যার একটা সার্কুলার আসে যে বিলো টোয়েন্টি লাখ কোন প্রয়োজন নেই আপনি যেটা বললেন প্রথমেই প্রয়োজন নেই তখন আমি জিএসটি ডিপার্টমেন্টের কাছে অ্যাপ্লাই করি যে আমার তাহলে যেহেতু প্রয়োজন নেই তাহলে আমারটা ক্লোজ করে দেওয়া হোক তো ওরা সেটা এর পরে ক্লোজ করে দেয় তারপর স্যার আজকে যখন আমার কাছে লেটারটা এলো তখন দেখা গেল স্যার যে আপ টু নাইনটি ষোলো সতেরো থেকে সতেরো আঠেরো থেকে উনিশ কুড়ি পর্যন্ত আমার একুশ বাই কুড়ি একুশ পর্যন্ত আমার ইনকামটা বিলো টোয়েন্টি ল্যাক্স ছিল কিন্তু ওরা আমাকে একুশ বাইশে এসে আমার ইনকাম অ্যাবাভ টোয়েন্টি ল্যাক্স হয়েছে ওরা আমাকে পুরো টাকাটার উপরে অর্থাৎ সতেরো আঠেরো থেকে একুশ বাইশ পর্যন্ত পুরো টাকাটার উপরে এইটিন পার্সেন্ট রেটে ওরা আমাকে জিএসটি চার্জ করে ওরা আমাকে সেভেন্টি ফোরে দিয়ে দিয়েছে এবং এটা হ্যাঁ স্যার আমি এখনো জিএসটি নাম্বার নতুন করে নেইনি আমাকে বলছে নিতে

পরের পরের মাসে গিয়ে जीएसटीর জন্য अप्लाई করা উচিত ছিল স্যার উই আর नॉट আন্ডারস্ট্যান্ডিং উই আর नॉट আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওকে 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 यस यस সো সো व्हाट हैजHappened is in the case of this person from Jalpaiguri yeah. he has taken he had taken gst registration and he okay. had he has charged gst But later on, the circular was circulated by uh, the uh, mutual fund houses and LIC and GIC that if you do not have your income above 20 lakhs, there is no need to take GST registration. Mm -hmm. So, this gentleman then approached the authorities for mm -hmm. cancellation of the GST registration. Mm -hmm. Now, once the GST registration gets cancelled, the authorities cannot on a retrospective basis okay. levy any penalty, interest, or GST on the dealer whose registration got terminated. But in this case, what I have been given to understand that. This gentleman's turnover from 2021 was more than Rs 20 lakh. And he failed to take the GST registration there, And that is why the department has opened his file and the department has issued him notice under Section 74 asking for payment of GST at the rate of 80% along with. The interest and in penalty rights from the beginning. That is, since when the registration under GST was terminated, from that day onwards, he has been asked to pay the taxes and penalty and interest. Am I correct, uh, Mr. Chakraborty?

आपका जो डिफॉल्ट हुआ है वो है कि आपका जब टर्नओवर ओवर अधिक हो गया था बीस लाख से आप तब भी जाके रजिस्ट्रेशन नहीं लिया आपने आपने तो एक दिया था फिर आपने उसको टर्मिनेट कराया फिर जाके आपको जब लेना था तब आपने नहीं दिया इसलिए आपका जो हुआ है कि दे हैव पेनलाइज्ड यू एंड हैव इशू द नोटिस अंडर सेक्शन 74 Yes. Now how to how to resolve it? Now this time uh Srivda needs the solution. Now the yes. solution is only saying the solution is you have to pay the taxes. There is no way that you can avoid the taxes, and you have to convince the authorities there that up to the year 2019-20. My income was below the threshold limit. So I did not take the registration then. But yes, I was liable to take the registration in 2021 when my threshold limit crossed 21, uh, 20 lakh. And it was my ignorance, and due to COVID as the same, I was also. But you have to take some sort of alibi. You see. Yes. The yes. thing is, the thing is that was the COVID era. So mm. uh, you have to say that yes, because COVID and all these things, it was not possible for me to focus on this issue, on this particular subject. And by the time my turnover crossed 20 lakh, it was too late for me to take the registration. So I failed in taking the registration and I am liable to pay taxes. from that particular year onwards so i will pay the taxes from 2021 but you have to waive my uh waive the taxes and penalties and interest prior to that period you cannot charge retrospectively you have charged prospectively from 2021 sudeep da bujhte paalen byapar ta bujhte perechi sir ekhon ekhon ekdom shoja gata boli shunun আপনার যদি ওখানে কোনো চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট থাকে সে যদি এই কাজটা করে দেয় আপনি তার সাথে যোগাযোগ করুন আর যদি এই স্যারের সাথে আপনি করতে চান তাহলে স্যারের সাথে যোগাযোগ করুন এটা চয়েস ইজ ইউর চয়েস ইজ ইউর ঠিক স্যার একদম গৌতম দা আমাকে না শুধু আমি অফিসে যখন গিয়েছিলাম ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমি যে এই কুড়ি একুশ পর্যন্ত তুমি আমাকে টান লেখানো এই জায়গাটা তুমি কেন টানলে আমাকে ওটা তো আমার হয় না এইটার মতন ওরা বলছে যে আপনাকে আমাদের জিএসটির যে কোডে যে ডেফিনেশন আছে সেখানে আপনাকে এজেন্ট ধরা হচ্ছে এজেন্ট মিন পার্সন সেই এজেন্ট পার্সন যখন হবে এবং আপনি যেকোন অন্য স্টেট থেকে যখন প্রকারের পয়সাটা পাচ্ছেন সুতরাং আপনাকে এক টাকার উপরে হলেও ট্যাক্স দিতে হবে সেই জন্য আমরা এটা বসি ওই সার্কুলেশনটা দেখিয়ে দিতে হবে যেখানে টোয়েন্টি লাইখের উপরে দেওয়া যাবে না যেটা এমপি যে সার্কুলেট দিয়েছে সেই সার্কুলার টা প্রথম আমাদের কাছে নেই পাঠিয়ে দিলে খুব ভালো হয় আমার কাছে আছে আমার কাছে আছে আমি আচ্ছা হোয়াটসঅ্যাপ এ দিয়ে দেন স্যার হোয়াটসঅ্যাপ এ দিয়ে দেন

with this uh, our expert they can take advice who are willing to do in your accountant your your resource you can take uh, uh, your decision Current, uh, because your, everybody has uh, different different issue and drafting should be not one uh, one drafting will not work for another so everybody

अभी आपका उसी का जवाब उसी ढंग से देना पड़ेगा नहीं तो जीएसटी मानेगा नहीं आपका ऑलरेडी ऑलरेडी फर्जरी केस तो लगा दिया फर्जर तो आप लोग बन गया तो उसका जवाब वही लेटर से देना पड़ेगा एक क्लियर बात है जो लोग चाहते हैं, वो सीधा सीधा यही पे बोलिए नहीं तो आप लोग सुनने कोई फायदा नहीं है आपका ये काम का चीज नहीं होगा ये सर जो बोले बात में बोलेंगे राइटिंग में वो अलग होता है জেলে অনুব্রত মন্ডল ওরাম থাকবে দিয়েছে তো তাহলে এইসব কেস করে জেলে যেতে হবে

তাদের রেসপন্ড করতে বলুন তারপরে আপনি তাদেরকে কানেক্ট করিয়ে দিন এভাবে এখানে ফোন নাম্বার দিয়ে করে একটা মেস আর এই ডিসকাশনটা আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে তাদের আমি কমলেশ দলের হলদিয়া থেকে বলছিলাম আচ্ছা আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমি জিএসটি দিচ্ছি টোয়েন্টি ল্যাক্স ওপরে উপরে আমার ইনকাম আছে আমার মিউচুয়াল ফান্ড বাদে আদার্স কমিশন ইনকাম আছে যেমন হচ্ছে আমি প্রাইভেট এফডি সেল করি তা সেটার ক্ষেত্রে কি আমাকে জিএসটি পে করতে হবে এক নম্বর কোশ্চেন আর দ্বিতীয় নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে ধরুন আমি ওই যে কমিশন আর্নিং এর উপর যদি জিএসটি পেমেন্ট করি যে জিএসটি টা পেমেন্ট করব সেটা এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আমার ইনকাম থেকে বাদ হয়ে ট্যাক্সেশন হবে কিনা ধরুন আমি পাঁচ লাখ টাকা আদার্স ইনকাম কমিশন যেগুলো যেগুলো অলরেডি জিএসটি পে করিনি সেগুলো যদি আমি ইয়ে ইয়ারে পে করি তাহলে আমার এই বছরের ইনকাম থেকে ওটা বাদ দিয়ে আমি ক্যালকুলেশন করতে পারবো কিনা না আমি আপনাকে বলে রাখি ফার্স্ট অফ অল জিএস डिल uh, 8% म्युचुअल फंड के आपने 3 लाख का बिल करते ওখানে आपको 18% जीएसटी दिए 354% बिल देता जीएसटी इज नॉट टू बी पेड फ्रॉम योर पॉकेट जीएसटी इज टू बी ऑब्टेन और जीएसटी इज टू बी रिइम्बर्स्ड बाय द कंपनी हु हैज अपॉइंटेड यू एज़ एकदम সবাই মাথায় নিয়ে

ये करके आपको बिल वो म्यूचुअल फंड हाउस या जो भी जिसका भी आप एम डी सेल कर रहे हैं उनको देने पड़ेगा मंथ में जाके और वो हाउस को आपका वो जीएसटी वो हाउस आपको टीटीएस डिडक्शन करके आपका पूरा बिल पेमेंट करेंगे आप और टीटीएस जो डिडक्शन होगा वो भी टीटीएस डिडक्शन होगा ओनली ऑन द टैक्सेबल वैल्यू नॉट ऑन द इनवॉइस वैल्यू क्योंकि इनवाइस वैल्यू में आपका टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी लेके इनवाइस वैल्यू बनता है बनता है तो म्यूचुअल हाउस जो है म्यूचुअल फंड हाउस विल बी डिडक्टिंग टीडीएस ऑन योर टैक्सेबल वैल्यू बट एफडी तो एफडी में तो इनवाइस नहीं देता है ओनली अमाउंट दे देता है जीएसटी नंबर देने से क्या इनवाइस देगा एकदम तो, आप आप सीधा उनको बोलिएगा कि ये मेरा जीएसटी है आप मेरा जो बनता है कमीशन ये कमीशन के ऊपर एटीन परसेंट जीएसटी आप चार्ज कीजिए करके जो बनता है वो आप बिलिंग कीजिए उनके ऊपर राइट देखिए आप लोग को बिल इश्यू करने पड़ेगा टू द रेस्पेक्टिव हाउसेस नहीं म्यूचुअल फंड का तो, तो... म्यूचुअल फंड तो से बट एफ का तो बिल हम लोग रेज नहीं करते हैं, बनाना पड़ेगा बस बनाना, बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा हाँ ये सब आपका बी टू बी होगा क्योंकि जो हाउस से आप डील कर रहे हो उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा राइट, और ये जो आप जीएसटी दे रहे हो मैंने जीएसटी चार्ज कर रहे हो वो लोग उसका इनपुट लेंगे आप अगर जीएसटी चार्ज नहीं करोगे तो उनका वो रिवर्स चार्ज मेकनिज्म पड़ेगा वो लोग वो नहीं करेंगे वैसे सर मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली मेरे को जीएसटी ने नोटिस किया है मगर वो प्लेन समन भेजा है कोई सेक्शन नहीं लगाया है, है ठीक है तो मेरे को सत्रह अठारह से वो लोग भेजा है टोटल करके एट्टी टू लाख ऐसा कोई समन भेजा है मगर मैंने जीएसटी अभी लिया है थर्टी जुलाई को मैंने जीएसटी लिया है मेरा ये क्वेश्चन है ट्वेंटी मेरा से मेरा जीएसटी आ रहा है तो मेरा को क्या जीएसटी और विद पेनाटी विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा या सिर्फ जीएसटी देने से ही चलेगा देखिए मैं आपका बात के ऊपर मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे पाऊंगा बिकॉज because... वो आपका मेरा दो हजार है नहीं दो हजार सत्रह में कितना था दो हजार मैंने दो हजार सत्रह अठारह में कितना था 17 17 18 उन्नीस उन्नीस बीस में मेरा बीस लाख का नीचे था बीस लाख का नीचे था और बीस तक के बीस इक्कीस में जाके बीस तक का ऊपर हुआ है ऊपर तो जब, जब बिस्ता है। जब बीस लाख का ऊपर हुआ है तब आपने क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन लिया उस समय रजिस्ट्रेशन ने लिया नहीं क्योंकि वो क्या हुआ? उस टाइम मेरा घर मेरा घर में मेरा जो बुजुर्ग का ब्रेन ऑपरेशन हुआ था इसीलिए उस टाइम कोई ये मानेगा नहीं आप आप कमाई कर सकते हो और जो सरकारी कानून है उसको आप मान नहीं रहे हो ये कोई मानेगा नहीं ये जो चीज है ना ये हम लोग को समझने पड़ेगा कि सरकार ने जो कानून लाता है वो कानून हम लोग को मानने के लिए लाता है हम लोग तो उसमें उसमें हम लोग को तो काफी रिलैक्सेशन देता है वो तो बोल सकते थे कि नहीं एक पैसे भी अगर आपका इनकम होगा तो उसमें भी आपको जीएसटी करना पड़ेगा लेकिन वो ऐसा नहीं किया क्यों नहीं किया बिकॉज 20 लाख का नीचे में जिसका इनकम है उनको वो परेशान नहीं करना चाहते थे okay. लाख नीचे में किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे इससे वो बीस लाख का जो स्लैब है तो स्लैब लगाब लगा लगाया है। तो, तो ये ये उनका जो केस है सर इनका थोड़ा कुछ वेब कर सकते हैं हम लोग कोशिश करके देखिए एक ही तो मैं आपको बोल रहा हूँ हाँ कि हमको उनका नोटिस देखने पड़ेगा हाँ। और हमको हाँ उनका पूरा एनालिसिस देखने पड़ेगा मैंने जो फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट हाँ। में के वो लोग अगर देंगे तो उसमें इंडिविजुअल केस हमको समझ में समझ में आएगा तो उस हिसाब से मैं इंडिविजुअली आप लोग तो को डील कर सकता हूँ नहीं तो इट नॉट बी डील डेल्ट मैनर यू नो दिस problem it will be dealt in an individual perspective. तो बीस इक्कीस से बीस इक्कीस से हमको कुछ करने का नहीं है वहां पे टैक्स आपको देना ही पड़ेगा वहाँ पे रिलैक्सेशन ले जा सकते हैं कि सर देखिए मेरा 17, 18 से लेके उन्नीस बीस तक मेरा थ्रेशन लिमिट का नीचे में रहा इसलिए मैंने नहीं लिया था आप इसको छोड़ दीजिए ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मत कीजिए आप प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आइए ऐसा करके आपको ट्रीट करना पड़ेगा ऑफिसर लोग भी बुरा नहीं होता है ऑफिसर लोग भी चाहता है कि आप लोग तो को हेल्प करे कानून ना ऑफिसर लोग ने हमको बोला है हम गया था ऑफिस उपीस, तो ऑफिसर लोगों ने हमको बोला कि ठीक है जिस साल में आपका लग रहा है उसी साल में जो एक्स्ट्रा रोड हो रहा है बीस लाख का ऊपर जो हो रहा है उस साल आपको बीस लाख का ऊपर को जी जीएसटी और इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ेगा और हाँ। फिर अगले साल से आपको पूरा जीएसटी इंटरेस्ट और पेनल्टी हम लोग पूछ रहे हैं की पेनाल्टी और इंटरेस्ट की देना ही पड़ेगा वो तो कोई नहीं हो सकता नहीं 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 पहला साल में हम लोग वही तो हम लोग का चीज है तुम कि, तुम कि समझना है कितना आपका है और उस हिसाब से उनको बोलना है कि देखो ये साल में मेरा नहीं था ये साल में तुम लोग मत करो बीस इक्कीस से तुम जो भी टैक्स लेना है ले लो बीस इक्कीस इक्कीस बाईस बाईस तेईस तेईस चौबीस जो भी टैक्स लेना है ले लो जो भी इंटरेस्ट लेना है ले लो जो भी पेनाल्टी लेना है ले लो बट सत्रह अठारह से मत की सत्रह अठारह से नहीं मांग रहा है जिस साल से हुआ है उसी साल से वो मांग तो रहा है कोई तो, बस बस सब क्या है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये तो देना ही पड़ेगा आपको इसमें कोई छुटकारा नहीं है पेनाल्टी और इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, जिस साल से पड़े पड़े है। ही पड़ेगा। सर मैं था तो ये आपको तो, क्यों देना पड़ रहा है आपको इसलिए देना पड़ रहा है आप पूरा पूरी डिफॉल्ट किया है पूरा पूरी डिफॉल्टर है हाँ। इसीलिए तो मैं, मैं गर और गर एक... अगर, और एक एक ने मैं ये भी बोल देता हूँ यहाँ पे अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन ले लिया रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में कोई कोई साल में थोड़ा शॉर्ट जीएसटी चार्ज किया और शॉर्ट जीएसटी फाइल किया उसमें क्या है उसमें आप लोग का पास प्रावन था अप टू 2024 31 जनवरी तक एमनेस्टी स्कीम था उसमें जाने का देखिए आप लोग का पास नोटिस आना चालू हुआ ये एमनेस्टी स्कीम जब खत्म हुआ उसका बाद में ही आना चालू हुआ गवर्नमेंट आप लोग का लिए एमनेस्टी स्कीम भी लेके आया था अच्छा। आप लोग का जो कंसल्टेंट है उनको ये जानकारी होना चाहिए था कि गवर्नमेंट का एमनेस्टी स्कीम आया है उस अनुसार उनको जानकारी देना चाहिए था एक्चुअली मैं और एक क्वेश्चन पूछना था कि जो हम लोग जीएसटी जब देंगे तो उस साल का जो इनकम टैक्स है बैक का जो इनकम टैक्स है उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इनकम टैक्स साइड में कोई जाके कोई इफेक्ट पड़ेगा तो देखिये इनकम टैक्स एंड जीएसटी इनकम टैक्स में आप जो रिटर्न भर रहे हो और जीएसटी में जो आप डिक्लेयर कर रहे हो दोनों मिसमैच हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम हो जाएगा तब भी जाके आपका प्रॉब्लम हो जाएगा सो इफ यू आर डिस्कलोज समथिंग इन द इनकम टैक्स एंड इफ यू आर नॉट डिस्कलोजिंग समथिंग इन जीएसटी देन यू हैव टू वेरी केयर यू विल फेस स्क्रूटिनी फ्रॉम बोथ द डिपार्टमेंट सर जो हम लोग जीएसटी okay. पे कर रहे हैं अभी उस पर हम लोग इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं सर इसमें जो हम जीएसटी अभी पे कर रहे हैं जीएसटी जो पे कर रहे हैं उसपे हम लोग इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं सर आप जो पे कर रहे हो जीएसटी आपको इनपुट कैसे दोगे बिल्स बिल्स आपका जो जीएसटी है वो तो रीम आ रहा है आपका पास ओके यू आर गेटिंग द रीम You यू आर चार्जिंग जीएसटी ऑन द म्यूचुअल फंड हाउस हर सर वो देना ही पड़ता है क्या म्यूचुअल फंड को ऑफ कोर्स और म्यूचुअल फंड हाउस म्यूचुअल फंड हाउस वो, तो हम... वो जीएसटी का ऊपर इनपुट लेंगे तो हम तो दिया नहीं हो शायद हमारा सीए बोला भी नहीं था तो इसीलिए तो इसीलिए तो आपको नोटिस आया हम दिया इस, इसके बावजूद भी हमारे पास नोटिस उस आया ना हाँ तो अभी क्या करे उसके लिए अच्छा আমি সবাইকে অনুরোধ করছি কি একটা জিনিস বলি দেখুন যখন কোনো নোটিশ হয় নিশ্চয়ই কোনো কোথাও না কোথাও ভুল আছে সেই জন্যই নোটিশটা হয়েছে হ্যাঁ এবার ভুলের সাথে আরও কিছু অ্যাড করে দেয় এবার সেগুলোকে যেগুলো রেকটিফাই করা যায় সেটা করা যাবে এখন যারা যারা চাইছেন এর প্রতিকার করতে মানে আমাদের আইকা থ্রু দিয়ে তো তারা ওই যে যে ফরম্যাটটা দিয়ে আছে ওই ফরম্যাটটা ফিল করে স্যারকে দিলে স্যার ওটা প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা করে যে অ্যাকচুয়াল যেটা হবে কি করতে হবে সেটা করে দেবে এবং তার জন্য যা প্রফেশনাল ফিস সেটা স্যারের সাথে যারা যারা ইন্টারেস্ট আমি তাকে কমিউনিকেট করি দেবো ডাইরেক্টলি তখন সেটা করে নিতে পারবেন হ্যাঁ ইয়েস বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন বলছি যে তাহলে আমরা তো সব পাঠিয়ে দিয়েছি আমি আমার কাছে তো কোনো নোটিশও আসেনি কিছু আসেনি কিন্তু আমি বাট আমি দিয়ে দিতে চাই আমি ক্লিয়ার থাকতে আপনি ক্লিয়ার থাকতে চান আপনি স্যারের সাথে কথা বলে নেবেন আপনার যা ডেটা আছে সেটা নিয়ে স্যারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এগুলো প্রত্যেকের আজ হোক কাল হোক কিন্তু প্রবলেম একটা বড় জায়গা আসছে হ্যাঁ তো এটা নোটিশ কিন্তু ওরা একের পর এক দিচ্ছে কালকেও একটা কাল গতকালকে একটা স্পিড পোস্ট এসেছে সে আমাকে পাঠালো মানে এখন আসছে তো সেই জন্য যারা চাইছেন এর সলিউশন তো তারা কিন্তু আপনার ওই ফরম্যাটটা ফিল আপ করে আমি স্যারকে দেবো স্যারের সাথে ডাইরেক্টলি কমিউনিকেট করে সেটা করে নেবেন এবার এবার আমার উকিল প্রথমে না বলেছিল যে করতে হবে না জিএসটি দিতে হবে না এখন বলছে যে না তুমি তোমাকে ওটা করতে হবে তার ব্যবস্থা আমি করে দেব আমি হলাম সঙ্গে ঢুকে গেছি हां ঠিক আছে ওখানে যদি না হয় তাহলে আপনি আপ্রিতে এই যে এই যে শিলগুড়ির দাদার কথা দেখতে পাচ্ছেন তো উনি ভোরে আজকে পেনাল্টি খেয়েছেন আজকে যে কোনো কারণে ওনাকে মতো গাইড করতে পারেনি আজকে যে শিলগুড়িতে যারা কেস খেয়েছে তারা তো পয়সা দিয়েছে তারপর খেয়েছে তার মানে কি কোথাও না কোথাও তার ল্যাকআপ নলেজ আছে নিশ্চয়ই তাহলে স্যার তো যদি আপনার ডাক্তার যদি প্রেসক্রিপশন ভুল করে ওষুধ যদি ভুল দেয় তার তো তার তো তার কষ্ট তো পেতে হয় پیشنটকেই আপনি তো پیشنট আমাকে একবারও বলেনি

এক এমনি এন্ড হয়ে যাবে তো আমি সেই জন্য সবাইকে অনুরোধ করব যারা সত্যি প্রয়োজন মনে করছেন আমরা পাশে আছি সঙ্গে আছি আহ বলতে পারি কোনো মিসলিট বা মিস বা কোন আপনার কোনো যেটা ঘুষ দেয়া বলে বাংলা ভাষায় সেটা আপনাকে দিতে হবে না এইটুকুনি বলতে পারি এটাই এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস তো থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যারকেও জানাচ্ছি যার যারা যারা আছেন আপনার ডেটা দিন যোগাযোগ করুন কোনো অসুবিধা নেই এরপরেও ইনকাম ট্যাক্সেরও প্রবলেম আসতে পারে সেই জন্য বি বি কেয়ারফুল সেটাও আপনাকে পাশাপাশি রেডি থাকতে হবে কারণ বাগের পরে ফেউ কিন্তু আসে এই জিএসটি যারা আজকে পঁচিশ লাখ পঞ্চাশ লাখ ষাট লাখ টাকা পেমেন্ট করছে তাদের কাছে এবার কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সেরও কিন্তু একটা চিঠি আসবে মিসম্যাচ অফ ফাইলিং সেই জন্য সেই এই দুটো কম্বিনেশন সমস্ত যদি কেউ আপনারা এই সার্ভিস পেতে চান বা পরামর্শ পেতে চান ডেফিনেটলি যোগাযোগ করুন একটা কথা আমি খালি বলতে চাই সবাইকে হ্যাঁ বলুন যে আপনারা যারা আমার কাছে আসছে তারা কিন্তু একটা মাইন্ডসেট নিয়ে আসবেন যে কোনো কিছু আপনাদের লুকোবেন না ডাক্তারের কাছে গেলে পরে যেমন আপনাকে শরীরে কোথায় কি হচ্ছে তা বলতে হবে আমাদের কাছে আসতে পরে আপনাদের কিন্তু আপনাদের ফিনান্সিয়াল যা ট্রানজাকশন রয়েছে সব কিছু খোলসা করে বলতে হবে ওখানে যদি আপনারা কোথাও কিছু মিসিং লিঙ্ক রাখেন তাহলে পরে কিন্তু আমাদের পক্ষে ইট উইল বি ভেরি